आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद पहली बार सुरेश रैना ने सोशल मीडिया के जरिए कोई रिएक्शन दिया है। सुरेश रैना ने पुष्पा स्टाइल में फोटो शेयर किया और कैप्शन देते हुए लिखा, फायर है मैं झुकेगा नहीं। दोस्तों इसे साफ पता लग रहा है कि वो कुछ इशारा करना चाह रहे हैं। मेगा ऑक्शन में रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, लेकिन किसी फ्रेंचाइजीज यानी कि 10 में से किसी फ्रेंचाइजीज ने उन पर दाव नहीं लगाया। अब इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुजरात टाइटन्स सुरेश रैना को अपनी टीम का हिस्सा बना सकती है। रैना के फैंस ने भी उन्हें गुजरात टीम में शामिल करने के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए ट्वीट्स किए जा रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दें दोस्तों, खबरें ऐसी हैं कि गुजरात टाइटन्स की टीम से बाहर हुए जेसन रॉय की जगह सुरेश रैना को एंट्री मिल सकती है। जेसन रॉय का बेस प्राइस भी 2 करोड़ था और सुरेश रैना का बेस प्राइस भी 2 करोड़ है। टीम के पास भारतीय बल्लेबाजों में कोई बड़ा नाम है नहीं गुजरात की, तो ऐसे में सुरेश रैना को जरूर खरीदना चाहेंगे। और उससे बड़ी बात, सुरेश रैना का आईपीएल 2022 से पहले जितने मैचेस इन्होंने खेले, इनका 5528 का सबसे बड़ा टोटल एक तरीके से। और इससे पहले सुरेश रैना आईपीएल में 2 साल गुजरात लायंस जो टीम थी उसके बतौर कप्तान भी खेल चुके हैं। 2016 और 2017 में जब राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को स्पॉट फिक्सिंग में 2 साल के लिए बैन झेलना पड़ा था, तब गुजरात लायंस टीम 2 साल के लिए इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आई थी और रैना टीम के कप्तान थे। इस बार कप्तानी संभाल रहे हार्दिक पांड्या, लेकिन क्या सचमुच सुरेश रैना फायर है और उनको जगह मिलेगी या नहीं, क्या जगह मिलनी चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर कॉमेंट सेक्शन में रखिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।